धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री और अब तक के सबसे ताकतवर नेता अमित शाह ने कहा कि लोग अब लालटेन के सहारे नहीं जीना चाहते हैं, अब उन्हें एलईडी चाहिए, यानी कि एलईडी की आदत पड़ गई है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि लोग अब जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहते, वो विकास के दौर में जीना चाहते हैं। पूरा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार इसी कथन को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन बेहतर होता कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार यह भी बताते कि जब से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को छोड़ के बीजेपी के साथ आए हैं, तब से बिहार के अंदर का जो क्राइम जो रेशो है वो कितना बड़ा है, वहाँ पे दंगे कितने हुए हैं, वहाँ पे बवाल कितने हुए हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार के कितने मामले हुए हैं, शेल्टर होम के अंदर कैसी दरिंदगी वहाँ पे की जा रही थी, सड़क पर बच्चियों को किस तरीके से नोचा गया, नंगा किया गया, वीडियो तमाम वायरल हुए हैं। और उससे पहले के हालात पे भी तुलना करता है, क्योंकि एक साल तो सरकार तेजस्वी यादव के साथ यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने चलाई ही है। लेकिन भैया, ब्रांडिंग है उनकी, संस्थान है उनके, आपके पास कुछ है नहीं तो आपकी बात क्यों दिखाए। लेकिन ऐसी ही तस्वीर अगर उसे लगता तो वो दिखाता उत्तर प्रदेश की, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना तो अखिलेश की सरकार है ना मायावती की सरकार है, तो यहाँ जंगल राज वो बता नहीं सकता है। धाकड़ खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश की जंगल राज का अलग से बुलेटिन रखता है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं मुझे लगता है उनसे आपको खास तौर पर रूबरू होना चाहिए। तो ऐसी ही खबर अमरोहा से आ रही है। घर में सोया हुआ था 12वीं क्लास में पढ़ने वाला वो दलित छात्र, मच्छरदानी लगा रखी थी, सोया हुआ था, रात करीब 12 बजे का समय, शनिवार की रात की घटना बताई जा रही है। उसके घर में चार हमलावर दाखिल हुए जो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, चेहरा हटाया, कपड़ा हटा के उसका चेहरा देखा और गोली मार के सीने में उसके मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। परिवार के लोग किसी तरीके से इस लड़के को, अपने परिवार के बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नाराज लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। उसकी माँ इस पूरी वारदात के बाद कैसे बिलख रही हैं, वो आसपास की महिलाएँ जो हैं वो उनके साथ कैसे उन को ढांढस बनाने की कोशिश कर रही हैं। थाने से लेकर घर तक की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले वो देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे कि हुआ क्या है असल में। बैठे दिखे आपने तस्वीरें देख ली। अब पहला सवाल पैदा होता है कि घटना हुई क्यों, लेकिन उससे भी पहले आपको ये जानना चाहिए कि मामला असल में है कहाँ का। तो मामला जो है वो अमरोहा का एक हसनपुर थाना पड़ता है, वहाँ का एक गांव पड़ता है डोमखेड़ा, वहाँ का है। यहाँ ओम प्रकाश जाटव उनका बेटा विकास 12वीं क्लास में पढ़ता है। आरोप है कि 31 मई, घटना का टाइम देखिएगा, 31 मई की घटना, 7 जून को मर्डर, 31 मई को मंदिर में घुसने को लेकर होराम चौहान और लाला चौहान से उसका विवाद हो जाता है। उस वक्त आसपास के लोग पूरे मामले को सुलटा देते हैं, पुलिस की जानकारी में मामला लाया जाता है, लेकिन पुलिस
आरोपियों को पकड़ नहीं पाती है। बाद में 7 जून की रात ये लोग घर में घुस आते हैं और कहते हैं कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराएगा, हमें पुलिस से पकड़वाएगा जो इनका आरोप है, और गोली मारने के बाद हत्या कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। घर जो इनका बताया जा रहा है वो गांव के एक छोर पे है, चारों तरफ उसमें बाउंड्री भी नहीं है, ये पेड़ के नीचे सोया हुआ था विकास, उसी वक्त इसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। अब आप ओम प्रकाश जाटव की जबानी सुनिए कि घटना असल है क्या। सर, मंदिर की पूजा को लेकर जो है विवाद हुआ था 31 तारीख में, उसने वो मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था पता नहीं, वही जाने इस बात को साहब, हमें तो आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। कौन लोग हैं जो मना कर रहे थे पूजा? चौहान लोग हैं। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मार पिटाई करी, उनके साथ चमार चट्टे कहा है, फिर उसके बाद आगे हैं बचा दिया लोगों ने एक दो गुना। अच्छा, तो जिन लोगों ने गोली मारी है उनके क्या क्या नाम है? उनका लाला है, जसवीर है, रोशन है, और क्या नाम है, होराम है। किस जाति के लोग हैं? चौहान। तो जब आपका वो 31 तारीख को झगड़ा हुआ था, आपने पुलिस में तहरीर दी थी? जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? बस आ क्या क्या ऐसा नहीं है, तुम सही बताओ और सही बताओ, यही बात है, सही बताओ। हमने सही क्या बताया, हम जो सही है वो बता दिया। तो मृतक के पिता का कहना है कि मंदिर में घुसने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनके बेटे की हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ के जो SP महोदय हैं वो इस घटना के बारे में क्या कहते हैं, उनसे भी सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। जी, इसमें कल रात्रि में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनका ये कहना है कि जो मृतक है उनके भाई के साथ में इनके आम के बगीचों का ठेके का और मधुमक्खी पालन का साझेदारी थी, जिसमें कि इनके 5,000 रुपये मृतक के बड़े भाई पर शेष थे। इसी बात का तकादे को लेकर 31 तारीख को मृतक और अभियुक्त पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसके बाद कि अभियुक्त गांव छोड़कर भाग गया। कल रात्रि में इसने बदला लेने के उद्देश्य से अचानक गाँव में आया और इस युवक को गोली मारकर वो फरार हो गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है, एक साथी को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य साथियों की जानकारी कर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो SP महोदय कह रहे हैं कि 5,000 रुपये के लेन देन का कोई विवाद था, मंदिर वाला कोई विवाद नहीं था, उसके चलते ही हत्या हुई है। 2 लोगों को पकड़ लिया गया, यानी कि होराम और उसके किसी और दूसरे भाई भैया को, रिश्तेदार को पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से जो रिपोर्ट हमें मिल रही है कि पिस्टल तमंचा जो भी है वो भी बरामद हो गया है। लेकिन अब एक दिलचस्प पहलू अगले खबर में आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। कार्रवाई नहीं करती है उत्तर प्रदेश में पुलिस, अगर कार्रवाई करती और समय से कार्रवाई करती तो ये हत्या नहीं होती। 31 मई की घटना है, मैं आपके सामने SP का बयान रखने जा रहा हूं, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो लोग जो आरोपी हैं वो गांव छोड़कर भाग गया, यानी कि पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। दोबारा से उनके उन शब्दों को जरा गौर से सुनिए। इसी बात का तकादे को लेकर 31 तारीख को मृतक और अभियुक्त पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसके बाद कि अभियुक्त गांव छोड़कर भाग गया। कल रात्रि में इसने बदला लेने के उद्देश्य से अचानक गांव में आया। SP विपिन टाड़ा, इनका कहना है कि वो लोग उस घटना के बाद गांव छोड़कर भाग गए, बाद में वापस लौटे तो इस हत्या को अंजाम दे दिया। यानी कि वो मान रहे हैं उनकी पुलिस पकड़ ही नहीं पाई, पुलिस पकड़ लेती सख्ती से कार्रवाई करती तो शायद विकास आज जिंदा होता, लेकिन ये आदत बन गई उत्तर प्रदेश पुलिस की। फर्रुखाबाद की वो घटना आपको याद होगी, वो किन्नर अपने रिश्तेदार का घर बचाने के लिए सुबह थाने पहुंची, थाने पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, दबंगों ने रात को उसकी हत्या को अंजाम दिया। और हत्या भी किस तरीके से, पहले दौड़ा दौड़ा के उसको मारा, फिर गोलियां मारी उसको दौड़ा दौड़ा कर और हत्या को अंजाम दिया। यानी कि जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही कुछ हमें बागपत में देखने को मिला उत्तर प्रदेश के, वहाँ के एक बसोली गांव में क्या हुआ, चक्की पे आटा पीसने को लेकर 2 जातियों के लोगों में आपस में विवाद हुआ, मामला उस वक्त निपट गया, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी गई, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अगली शाम को 3 लोगों के मर्डर हुए, चक्की वाले के भतीजे का मर्डर हुआ और जो हमलावर थे उन्हें लोगों ने पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। यानी कि एक जाति के एक शख्स का और एक जाति के 2 शख्स का मर्डर वहाँ पे हुआ, 3 हत्याकांड। लेकिन साफ दिखाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और लोगों को लगता है कि अब उनका बिगड़ेगा क्या, जो दबंग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो इस तरीके की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पर क्या अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करेगी UP पुलिस, या फिर सामने खान मोहम्मद या अहमद आ जाए तो लठ बजाएगी और गोलियां चलाएगी और सिर्फ उनको जेल में डालने का काम करके 56 इंची सीना वाली पुलिस बन जाएगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।